NRB. NRB hearings. NRB bearings. ये हमारे इस वीक के प्रीमियम रिसर्च रिपोर्ट में पेड सब्सक्राइबर्स लोग का भी कॉल है, तो चूंकि दिस इज वेरी गुड स्टॉक, अब ये बहुत अच्छे पोजीशन पे पॉइज्ड है, इसको 138 से 135 के बीच में एक्युमुलेट करिए, 130 रुपए का छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए और इस वीक के लिए टारगेट रखिए 150 के करीब का, 150 से 55 के करीब। और अगर कोई पोजिशनल रखना चाहते हैं 1 से 2 महीने के लिए तो 120 रुपए के स्टॉप लॉस पे इसको 180 से 185 के लिए लॉन्ग रखिए। इस स्टॉक में बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, पैटर्न्स इज रियली गुड, ये स्टॉक कभी भी चल सकता है। डेली दो चार्ट्स के हिसाब से इसमें बाइंग है, मोमेंटम इंडिकेटर्स और बाकी जितने भी मेरे डाइवर्जेंस है, जितने भी इंडिकेटर्स में डाइवर्जेंसेस है, दे आर सजेस्टिंग कि इट इज द गुड बाय राइट नाउ एट करंट प्राइस। NRB bearing, क्या स्ट्रेटेजी, किस तरीके का व्यू, सब बता दिया विकास जी ने। और वैसे भी समय OEMs यानी ऑटो एंसिलरीज जितने हैं वो बढ़िया तेजी के अंदर में है और उसी में से उसी सेगमेंट में से एक स्टॉक लेकर के आए हैं विकास जी, NRB bearings, ठीक है। और वही वाली कहानी कि गाड़ी कोई भी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, इलेक्ट्रिक हो, हाइड्रोजन हो, हवा से चले, पानी से चले, कैसे भी चले, बेयरिंग्स तो लगेंगे ही, पहिए तो लगाने पड़ेंगे और उसके अंदर पे बेयरिंग्स तो लगेंगे ही लगेंगे, तो अंदर गाड़ी में कहीं ना कहीं घूमेगा, तो जितने वो वाले पार्ट्स हैं और वाली जितनी कंपनीज हैं वो तेजी के अंदर में है। बढ़िया है सर, ठीक है सर, आपकी लिस्ट में कुछ और है या मैं, बहुत सारे सवाल मेरे पास इकट्ठा है, मैं सवाल लेना मैं दर्शकों को एक चीज बोलूंगा कि इट इज द राइट टाइम टू एक्युमुलेट मेटल्स एंड आईटी सेक्टर, थोड़ा-थोड़ा करके जो लोग थोड़े पोर्टफोलियो बिल्डअप करते हैं, थोड़ा-थोड़ा करके मेटल और आईटी सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। मेटल और आईटी सेक्टर कमिंग कुछ महीनों के लिए मेरे को यहाँ से हो सकता है 2-5% यहाँ से थोड़ा सा और रिट्रेस कर जाए, बट जगह बहुत कम है रिट्रेसमेंट का। मेटल और आईटी सेक्टर को एकदम से रखिए, ये आपके पोर्टफोलियो में यहाँ से कम 20-25% का रिटर्न देके जाएंगे। तो रिस्क 2-5% का है और रिटर्न 20-25% का है आने वाले दिनों में। तो मैं इसको मंथली चार्ट और वीकली चार्ट सबका स्टडी कर रहा था वीकेंड पे, मेरे को मेटल और आईटी बहुत अच्छा लग रहा है करंट भाव पे। मेटल और आईटी अच्छा लग रहा है, तो वो एक व्यू है ओवरऑल सेक्टोरल जो कि कह रहे हैं विकास जी, उसके अंदर में कौन-कौन से स्टॉक्स हैं वो आईटी में, आईटी में टेक महिंद्रा या एसीएल टेक दोनों में से कोई एक को पिक करिए, दोनों ही बहुत अच्छा लग रहा है रेंट रेट्स पे। और मेटल्स में मेरा अभी भी फेवरेट है टाटा स्टील, थोड़ा सा रिवर्स हो गया, मैंने लास्ट वीक भी बोला था।